हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद हिना। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ फिलिप्स हैंडहेल्ड गारमेंट स्टीमर का। इसे मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ और मुझे काफी अच्छा प्रोडक्ट लगा, तो आई थॉट कि आपके साथ शेयर जरूर करना चाहिए। तो इसकी चाहिए। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हमारी कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जिसमें आयन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनका मटेरियल कुछ ऐसा होता है जिसमें आयन नहीं हो सकता, या फिर कुछ लेयर्स बने रहते हैं ड्रेसेस में, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है। कितना भी कोई डेलिकेट फैब्रिक हो, सिल्क हो, शिफॉन हो, ये सबके लिए काफी सेफ है। अब मैं दिखाती हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो ये है हमारा फिलिप्स का गारमेंट स्टीमर और इसका जो मॉडल नंबर है वो है GC310/07 एंड ये काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी हैंडी है। इसमें केवल ये स्टीमर आया था और एक ब्रश अटैचमेंट और आया था और कुछ भी नहीं आया था। ये बड़ा वाला जो कमर्शियली यूज होता है वो नहीं है, ये बहुत ही लाइट वेट है, आप इसे ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। और यहाँ पे आप जो होल्स देख रहे हैं यहाँ से स्टीम पास होती है एंड यहाँ पे ये जो बटन देख रहे हैं इसे प्रेस करने में स्टीम बाहर आती है, जिससे हम बहुत ही ईजिली आयन कर सकते हैं मैं किसी भी क्लोथ्स में। तो सिर्फ एक ही बटन दी गई है पूरे स्टीमर में एंड ऊपर यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, तो हम जब स्विच ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा वर्क करने के लिए तैयार है। नीचे यहाँ पे कॉर्ड दी गई है और कॉर्ड की लेंथ भी इन्होंने काफ़ी अच्छी दी है। और यहाँ पे ये है वाटर टैंक, तो ये 60 ml का वाटर टैंक है जिसमें हम पानी भरते हैं और उसी से फिर स्टीम जनरेट होती है एंड स्विच ऑन करते ही कुछ ही सेकंड्स में स्टीम जनरेट हो जाती है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है स्टीम बनने में। एंड यहाँ पे देखिए तो दोनों साइड ग्रिप दी गई है जिससे ये टैंक बहुत ही ईजिली डिटैच हो जाता है। एंड यहाँ पे देखिए तो सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी मिल जाएंगी आपको। एंड यहाँ पे लगा हुआ है ये कैप, तो इसे हम रिमूव करके यहाँ पे हम पानी भरते हैं यहाँ से, तो नॉर्मली आप कोई भी वाटर इसमें भर सकते हैं और ये ईज़ली फिर ये बंद भी हो जाता है। एंड अब इसे मैं वापस लगा दूँगी, पानी ऑलरेडी भरा हुआ था। अब करते हैं इसे ऑन, लाइट यहाँ पे ऑन हो गई है एंड कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे और फिर मैं आपको आयन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए स्टीम तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने एक टॉप हैंग किया है, जिस मटेरियल का हमारा दुपट्टा होता है सेम उसी मटेरियल का ये टॉप है। बहुत ही पतला कपड़ा है इस टॉप का, तो इसमें जो नॉर्मल प्रेस होता है उस वो करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा इसमें स्टीम आयन, ये वाला आयन ही करती हूँ। और देखिए कितना ईजिली हम इसमें कर देते हैं और फटाफट से सारी क्रीजेज आप देख रहे हो तो बिल्कुल जाती जा रही हैं। तो आप इसे हैंगर को हाथ में पकड़ के या टॉप भी हाथ पे पकड़ के बहुत ईजिली कर सकते हो, या आप कहीं भी हैंग कर दो टॉप को। तो देखिए कितने बढ़िया से आयन हो गया है, ना ही जलने का डर ना चिपकने का डर, और हमें कोई आयन के लिए बोर्ड भी नहीं चाहिए होता, कहीं भी हैंग करके हम इजीली आयन कर सकते हैं। सो इसके साथ ये ब्रश अटैचमेंट भी आता है जो थोड़े से मोटे कपड़ों के लिए होता है, तो ईजिली अटैच हो जाता है इसमें ब्रश। एंड लहंगे वगैरह, कुछ हैवी ड्रेसेस वगैरह भी काफ़ी ईजिली आयन हो जाते हैं, काफ़ी ईजिली और सेफली क्रीज फ्री हो जाते हैं। एंड स्टीम से बैक्टीरिया मर जाते हैं, ये सभी को पता होगा, तो कपड़ों में भी अगर कोई बैक्टीरियाज हैं तो उसे भी किल कर देता है ये। एंड अगर कपड़ों में कोई स्मेल है तो वो भी बहुत ईजिली रिमूव हो जाती है इस आयन से। एंड इसमें कोई भी टेबल की, कोई भी बेड की ज़रूरत नहीं होती कि हमें कपड़े बिछा के ही प्रेस करने होते हैं, हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं कपड़े को और ईजिली आयन हो जाते हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और 2 साल की वारंटी भी दी है इसमें। एंड अमेजोन में इसका जो प्राइस है वो है 4995 एंड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप लिंक से खरीद सकते हैं। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मैं बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।